गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, कैरम पूल के अंदर बहुत ही जल्दी 2v2 का मोड हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मोड के आने से पहले ही मैं आप लोगों को एग्जांपल के ज़रिए जो है वो समझा दूं कि ये मोड कैसे काम करेगा। सबसे पहले तो आप मैच लगाएंगे तो 2v2 का जो प्रोफाइल है वो हमें शो होगा। एक साइड हमारी टीम होगी जिसमें मैं हूँगा और मेरा टीममेट होगा, और साथ में जो है हमारे दोनों ओपोनेंट्स हमारे वर्सेस दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद गेम स्टार्ट होगा और यहाँ पर जो सबसे पहली टर्न है वो जिसकी भी आती है, मिसाल के तौर पर टर्न अगर मेरी आई तो मैं जैसे शॉट मिस करूँगा उसके बाद मेरे ओपोनेंट की टर्न आएगी, और उसके बाद मेरे टीममेट की, और फिर मेरे ओपोनेंट की, और फिर मेरी, ऐसे ही टर्न घूमती रहेगी अगर शॉट मिस होती है तो। नहीं तो आप लोगों को पता है जब तक शॉट मिस नहीं होगी टर्न उसी के पास रहेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरे टीममेट की टर्न चल रही है, अब जैसे ही ये जो है वो कोई शॉट मिस करता है, इसने शॉट मिस कर दी तो ये मेरे इस ओपोनेंट के पास टर्न चली जाएगी, और जब ये कोई शॉट मिस करेगा तो टर्न मेरी आ जाएगी। इसने शॉट मिस कर दी, अब मेरी टर्न आ जाएगी। अब जब तक मैं कोई टर्न कोई शॉट मिस नहीं करूँगा तब तक जो है वो टर्न मेरे पास रहेगी, और जैसे ही मैंने शॉट मिस कर दी मेरे इस ओपोनेंट की टर्न चली जाएगी। और यहाँ पर जो हमारा टीममेट है वो बिल्कुल हमारे सामने दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हम दोनों टीममेट्स ऐसे होंगे और दोनों ओपोनेंट्स बिल्कुल ऐसे हमें शो करेगा। तो इस तरीके से 2v2 का जो है ना वो मोड होगा। हाँ, कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें पहले तो हमारी टीम की दोनों प्रोफाइल शो हो रही हैं, और फिर हमारे दोनों ओपोनेंट्स की प्रोफाइल शो हो रही है, पक्स शो हो रहे हैं कि भाई किसने कितने पक्स को पोर्ट किया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चेंजिंग ये हो सकती है कि यहाँ पर ये जो टाइमर है ना, यहाँ पर ये टाइमर नहीं होगा, यहाँ पर बस प्राइस ही शो करेगा जो भी टेबल की प्राइस होगी। उसके बाद गाइस टाइमर क्यों शो नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कैरम पूल के अंदर हमारा जो टाइमर होता है ना वो डायरेक्ट हमारी प्रोफाइल पर ही शो करता है, तो यहाँ पर जो टाइम होगा ना वो हमारी प्रोफाइल के ऊपर ही शो करेगा, जैसे यहाँ पर भी कर रहा है, लेकिन बीच में भी टाइमर शो कर रहा है, तो ये टाइमर हमें कैरम पूल के अंदर शो नहीं करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद जो है जो टीम पहले अपने सारे पक्स को फिनिश कर लेती है तो वो टीम जो है जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है विन कर जाएगी। तो यहाँ पर मैं कैरम मोड खेल रख कर आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई ये एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि भाई 2v2 का जो मोड है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि मैं मतलब ये कोइन को जो है वो पोर्ट कर रहा हूँ, वैसे ये मैं एम असिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको कैरम पूल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मैंने पोर्ट कर दी डायरेक्ट। अब मैं ये लास्ट इसको जैसे ही पोर्ट करूँगा हम लोग जो है मैच विन कर जाएंगे, और जिस प्राइस का मैंने मैच खेला था, मिसाल मैंने 1000 कॉइन वाला मैच खेला था, तो मुझे भी 2000 कॉइन मिलेंगे और मेरे टीममेट को भी 2000 कॉइन्स मिल जाएंगे, और हमारे दोनों ओपोनेंट्स को कॉइन्स नहीं मिलेंगे। कुछ इस तरीके से 2v2 का मोड काम करता है।